जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। और आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी, और ये देखिए दृष्टि सबसे पहले उठ चुकी है और बाकी बच्चे सो रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ मंदिर में। आज ये तो घर पे रहेंगे, और आज हमारे यहाँ पर धुंध पड़ी है खूब। अभी बाहर जाऊँगा तब तो मैं आपको दिखाऊँगा धुंध कितनी है। तू क्या करेगा? ये बोल रही है ये भी मंदिर में जाएगी, लेकिन सुबह से उठ के नहाई भी नहीं अभी तक। ना नहाई हूँ, झूठ देख, देखिए झूठ, नहाई हूँ। हाँ रेडी है, चलो ठीक है बेटा, बाय, फिर मिलते हैं, अभी आया मैं। और ये देखिए धुंध हमारी तरफ पे कितनी धुंध पड़ी हुई है, और दृष्टि अंदर चिल्ला रही है, उसे भी जाना था लेकिन अब क्या करें, उसको इतनी ठंड में कहाँ लेके जाऊंगा बाहर। ये देखिए दोस्तों धुंध कितनी है, कैमरे में शायद कम दिखाई दे रही होगी लेकिन यहाँ पे तो भयंकर है। ओहो, बिल्कुल ठंड, ठंडी हवाएं चल रही है आज तो। लो जी, यहाँ पे जो मोड़ है ठिठारी महादेव के नज़दीक ही है मंदिर के। ये ज़मीन तो जैसे रेलवे की है, तो यहाँ पे क्या होता है कि भी आप कोई सड़क वगैरह नहीं बनी हुई मंदिर में जाने के लिए, तो ये कच्चा सा रास्ता है, यहीं पे जाते हैं हम। ये देखिए इस तरह से काफ़ी बार इसका रास्ता बनाने की मतलब बात भी चली कि भी चलो इसका रास्ता बनेगा बनेगा, लेकिन बस प्रशासन का यही काम रहता है, फिर बीच में एक आध बार कोई अफसर चेंज हो गया तो काम वहीं पे बंद हो जाता था, और इसके जो रोड है उन पे कब्जा किया हुआ है। और नहीं तो इतना पुराना मंदिर है ये हमारे शहर का कि काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। लो जी, मंदिर से दर्शन करके और अब जा रहा हूँ घर की तरफ। तो दोस्तों मैं तो पहुँच चुका हूँ घर पर करके भोले बाबा के दर्शन, और ये देखिए इनकी एक्टिंग शुरू है। क्यों क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? कहाँ पे जाना है तेरे को? ना बेटा किचन में नहीं आया कर दे, तुम किचन से बाहर निकलो दोनों जने। चलो चलो, सिर ना फोड़ दिए इसका, तू कहीं सिर फोड़ दे। चाकू से उसमें बोतल में सुराख करवा रही है इसमें, और फिर सारी पूरे घर में पानी को ऐसे छिड़कती फिरेगी, फिर सुबह सुबह और कुछ काम नहीं मिला इसको। तो मैं भी खाना खा के और चलता हूँ घर दुकान की तरफ, और बच्चों तुम नहा के अपना काम कर लियो, ठीक है? हाँ, और ये आ चुका हमारा कालू दूध पीने के लिए। ये लॉकडाउन के टाइम पे आने लगा था मेरे पास दूध पीने, और अभी तक इसका रूटीन ऐसा ही है। लो भी, लेकिन बीच बीच में जब ज़्यादा 3 दिन लगातार दूध पिएगा फिर छोड़ देगा, अब 3 दिन पिएगा दूध लगातार फिर बीच में छोड़ देगा। और जो स्पीकर था मैंने पहले भी ठीक किया था, ये वाला आपने की वीडियो में देखा होगा, तो इसमें पता नहीं दोबारा फिर कोई चार्जिंग लगाते वक्त, और इस जो शोल्डरिंग मैंने की थी छोटा सा टाका लगा था इस पर, वो शायद दोबारा टूट गया, फिर इसकी चार्जिंग में गड़बड़ हो चुकी है, इसको भी आज ठीक करूँगा। कालू तो दूध पी के जा चुका है, और नीचे काम शुरू है जो मरंटी के दरवाजे थे उनके ऊपर ग्राइंडिंग का, ये इस तरह से यहाँ पे ग्राइंडर लगा है। तो ग्राइंडिंग करने से क्या होता है कि भी जो लकड़ी में कई बार क्या होता है कि कुछ लकड़ी पतली हो जाती है तो रंदा नहीं लगता, या फिर हल्का फुल्का ब्लेड का निशान रह जाता है, तो उसके बाद बिल्कुल फिनिशिंग आ जाती है इसके ऊपर जब इसकी ग्राइंडिंग हो जाती है लकड़ी की। तो जब पेंट वाले लगते हैं देखो वो तो अपने तरफ से करती हैं पुट्टी वगैरह लगा के, लेकिन हम भी ये कोशिश रखते हैं कि भी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फिनिशिंग दी जा सके, जितना स्मूथ सरफेस होगा दरवाजे का वो पेंट भी उतना अच्छा लगेगा उस पर। मैं पहुँच चुका हूँ अभी लोहे वाली दुकान पर, और पीछे शुरू है एक तरफ लोहे की चौकटे बनने का काम, और दूसरी तरफ जो शेड बनेगा उसका। ये देखिए यहाँ पे ये प्लेटें हैं जो इन पाइपों के साथ वेल्ड कर रहे हैं, और वहाँ पर चौखट वेल्ड कर रहे हैं भाई।
इसमें क्या है, जो प्लेटें हैं ये बाद में फाउंडेशन रख के, और फाउंडेशन पे जैसे नट लगते हैं उसके साथ ही साथ पिलर टाइट हो जाएंगी। ये जो सुराख है इस प्लेटों में उन पे रख दिया और नट लगा देंगे। फिर पीछे की तरफ शुरू है चौखटे जोड़ने का काम, जो वहाँ पे बैंड हो रही है दुकान पर ली तरह से, यहाँ पे इस मशीन पे बैंड हो रही है और यहाँ पे इनको जोड़ा जा रहा है, और यहाँ पर ग्राइंडिंग का काम शुरू है इनकी। जो क्या है कि भी वेल्डिंग करने के बाद हल्के फुल्के निशान रह जाते हैं उनको साफ कर देता है ये। और ये देखिए दोस्तों, शॉप पर कौन आ चुका है? कौन है तू? गुल्लू। ये गुल्लू आ चुका है शॉप पर, इसकी बुआ जा रही थी कुछ काम से और ये इसको गली में मिल गई। गली में अपना खेल रही थी तभी उसके साथ सिर हो चुकी है। मैं भी चलूंगी शॉप पे। और तुझे तो क्या करना था शॉप पे? ऊपर कहाँ पे? ऊपर तन्नू के पास थी। हाँ। फिर क्या जरूरत थी तेरे को आने की यहाँ पे? बोले अच्छा, ऐसे बोली काकी बुआ? हाँ। गुल्ली आजा दुकान पे। हाँ। ओ ठीक, तू घर पे रहना था, अपना होमवर्क कर लेता। कर लिया था सारा होमवर्क, कर लिया था। कब किया था तूने? थोड़ा सा रह रहा है। थोड़ा सा रह रहा है? हाँ। बाकी सारा होमवर्क हो चुका आपका? नहीं, और थोड़ा सा रह रहा है। थोड़ा सा रह रहा है। हाँ। तो कब करोगे? घर पे जाके अभी। अब छोड़ के कौन आएगा आपको? दादू। ठीक। हाँ। चलो आप छोड़ के आना। मैं नहीं छोड़ के आता। दोस्तों सुबह कितनी धुंध पड़ी हुई थी और अब देखिए बिल्कुल तेज धूप निकली हुई है। मतलब सुबह का मौसम और अब का मौसम बिल्कुल चेंज कर दिया। और दोस्तों ये तैयार हो चुका है जो मरंती का दरवाजा है, वो बीच में जो प्लाई दिखाई दे रही है आपको, ये है वाटरप्रूफ प्लाई। और ये क्या होता है कि इसमें चूल निकलती है और इसमें सुराख होते हैं, तो इनको जॉइंट करने के लिए हम लगा देते हैं गुज्जे इस तरह से लकड़ी के। ऐसा नहीं है कि इनमें लिया और लोहे की कील मार दी। लोहे की कील से क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो निकलने लग जाती हैं, तो उनका फ़ायदा नहीं होता, इसलिए हम इसमें लकड़ी के लगाते हैं। हर एक लकड़ी के ऊपर फेविकोल लगा के, ये देखिए इस तरह से, तो फेविकोल से क्या है इसमें और ज़्यादा मजबूती आ जाती है दरवाजे में, फिर आगे भविष्य में खुलने के या मतलब लटकने के चांस नहीं रहते इसके। और ये दरवाज़ा अभी जैसे कंप्लीट नहीं है, सिर्फ गुज वगैरह लग चुके हैं। अभी इसके चारों तरफ जैसे मोल्डिंग भी लगेगी, जो प्लाई लगी हुई है जहाँ पर उसके चारों तरफ मोल्डिंग लगाई जाएगी, और फिर इसको हम सैंड पेपर से जैसे वो ग्राइंडिंग करेंगे इसकी, ताकि ये सरफेस और ज़्यादा स्मूथ हो जाए इसका, और उसके बाद फिर ये कंप्लीट होगा। तो दोस्तों मैं तो पहुंच चुका हूँ घर पर, और वही बात है, नहाने की आदत है ये आपको पता ही था, और अपने करते हैं सोने की तैयारी, और माता को भी सुला देते, लाइट वगैरह कर देते हैं बंद कर देते हैं, और कल सुबह जाना है दोबारा से जिंदल हॉस्पिटल हिसार में, क्योंकि जब एक बार ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद कई विजिट तो ऐसे करनी पड़ जाती हैं कि भी चलो विजिट में अपना दिखा लाए। तो कल जाऊंगा मैं गैस्ट्रो वाले के पास, जो गैस्ट्रो वाला है उससे कुछ पेट के बारे में, मेरे मम्मी के पेट में जैसे कुछ लग रहा होगा, उन्हें महसूस हो रही है समस्या, तो वो पूछ के आएंगे और उसके बाद वापस घर पर आ जाएंगे। और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा और ना मुझे याद आ रहा, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।